मुख्य किन्नर समाज के महासम्मेलन के दूसरे पड़ाव में आठवें दिन चाक पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर के देपालपुर में भव्य जुलूस के साथ हजारों किन्नर नाचते गाते बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक जिस प्रकार शादी के दौरान पहले दिन चाक पूजा के लिए कुम्हार के यहाँ जाकर चाक पूजा की रस्म अदा की जाती है, लेकिन यहाँ किन्नर समाज द्वारा अलग हटकर मौके पर ही चाक पूजा की रस्म अदा की गई, जिसमें पूरे रीति रिवाज के साथ चाक पूजा कर कुम्हार को मामेरा कर हजारों रुपए नेक में दिए गए। जिसने भी यह आयोजन देखा वह हतप्रभ रह गया। इस दौरान किन्नरों ने गीत भी गाए। चाक पूजा के अवसर पर किन्नरों द्वारा पहने गए जेवरात तथा दुल्हन के रूप में सज धज कर शामिल होती हैं, क्योंकि किन्नर समाज का यह सबसे बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव में किन्नर समाज के साथ नगर की महिलाएं भी चुनरी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई। बाजे की धुन पर समाज जनों ने भव्य जुलूस के दौरान एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इस दौरान किन्नर समाज द्वारा पूरे नगर को खूब आशीर्वाद देकर देपालपुर की जनता को फले फूले व्यापार में चौगुना बढ़ोतरी हो, कोई बीमार दुखी ना हो की मंगल कामना करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों को सिक्का देकर उनके घर में बरकत मिले उसकी मंगल कामना की। वहीं किन्नर गुरुओं को बग्गी में बैठाया गया, जो नगरवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन के साथ आशीर्वाद भी दे रहे थे। चाक पूजा की मटकी सर पर उठाने के बाद किन्नरों ने जय जय सियाराम व भारत माता की जय के साथ जयकारे भी लगाए। इस दौरान जुलूस का हर घर व दुकान से भव्य स्वागत कर नगर की किन्नर गुरु रानी बुवाजी का शॉल श्रीफल व रुपए नेक देकर स्वागत किया गया। इस महाआयोजन का मुख्य उद्देश्य देश प्रजा ध्यान बड़े गुरु की याद उनकी स्मृति में तथा शहर के सुख समृद्धि जजमानों के मंगल कार्य के लिए दुआ आशीष सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ चाक पूजा की गई। किन्नर समाज के मालवा के प्रमुख शकीला गुरु जैन, बबीता गुरु गौतमपुरा, अनीता गुरु मंदसौर, कोकिला गुरु जैन, रेखा गुरु खाचरौत तथा काली गुरु नरवर उज्जैन के साथ राजकुमारी बुआ, किरण बुआ ब्यावर, बिस्के बुआ फलौदी कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी मौजूदगी के साथ अपनी प्रस्तुति भी दे रही थी। वहीं चाक पूजा के लिए लाए गए मटकियों को सर पर रखने के बाद किन्नरों ने जय जय सियाराम व भारत माता जय के नारे लगाए। आज देपालपुर में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का जो दूसरा सम्मेलन चालू हुआ उसके तीसरे दिन हम लोग चाक पूजा का आयोजन करते हैं। सुबह में 10 बजे कालका माता मंदिर पे चाक पूजने के लिए गए। चाक पूजा चाक पूज के उस कलश को हम लोग माथे पे रख के नगर में घूमते हैं और तमाम दुनिया के लिए और जहाँ रह रहे उन रहवासियों के लिए दुआ आशीष प्रार्थना करते हैं। और मैं हसीना बुआ किन्नर दलोदा से देपालपुर की समस्त जनताओं को आज के जुलूस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ किन्नर परिवार की ओर। यहाँ पे अभी 4 दिन का और आयोजन है, 28 तारीख को इसका समापन होगा और मेहमान तो पूरे हिंदुस्तान से है, दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद जयपुर से है, ब्यावर राजस्थान से है, MP के समस्त किन्नर हैं यहाँ पर, गुजरात के है, बारागढ़ कछवे घाट के है, केतासराय पूरा पटेला के है, बहुत सारे मेहमान हैं यहाँ पर तमाम जगह से आए हुए हैं और करीब मेहमानों की भी संख्या 1500 से 1700 के लगभग है और आगे और अभी आने की उम्मीद है और आते रहेंगे और मेहमान कुछ जो कार्यक्रम अटेंड करके 1-2 दिन में वो चले भी जाते हैं। ये सभी आयोजन शहर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है किन्नर सम्मेलन। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सभी किन्नर लोगों ने आयोजन में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में सभी लोग आए हैं, बाहर से हर जगह से हर क्षेत्र से किन्नर लोग यहाँ आए हुए हैं और शहर की खुशहाली के लिए आयोजन किया गया है। और आज चाक पूजा का कार्यक्रम था जो हम लोग सभी भारत में किन्नरों को माता जी का खेरा कहा जाता है और हम लोग शीतला माता जी के खेरे माने जाते हैं, इसीलिए हम हमारी समाज में किन्नर की समाज में चाक पूजा जाता है और चाक पूज के कार्यक्रम का आयोजन स्टार्ट किया जाता है।
और सभी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया है, बहुत खुशियाँ दी है, सभी ने हमारा साथ दिया है। और ये किन्नर सम्मेलन अभी 4-5 दिन और चलेगा और भी यात्राएं निकलेंगी, फंक्शन होंगे, डांस वगैरह सभी कुछ होगा। अभी आगे आप और देखिएगा, और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, शांति का माहौल है, और शहर में और भारत में हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग शांति का माहौल बनाए रखें और शांति का प्रतीक दें। जय हिंद, जय भारत। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निकाला जाता है, देपालपुर वासियों की मतलब जो कारोबार में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, और दुख संकट जितने भी काम रुके हो, हर कामना के लिए ये सब निकाला जाता है। कहाँ कहाँ से इस वक्त यहाँ पर? ऑल इंडिया से किन्नर आए हो। एक और कार्यक्रम बचा हुआ है, गंगाजली कलश यात्रा है जो बची है।